नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की उज्जैन की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर उज्जैन की हेडलाइंस पर। सामने आई जेके अस्पताल की बड़ी लापरवाही, जहरीली शराब कांड का फरार आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन में नगर पूजन, कलेक्टर हुए शामिल। फिर से खुलेगी प्रवेश की लिंक, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। जहरीली शराब कांड में सरगना सिकंदर सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद आरक्षक सहित 3 लोग फरार थे। इन पर एसपी ने गुरुवार को 10,000 के इनाम की घोषणा की थी। पुलिस ने इनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने चर्चा में बताया कि जहरीली शराब कांड की जाँच अभी जारी है, साथ ही इससे जुड़े फरार आरोपियों की तलाश पुलिस की अलग अलग टीमें कर रही है। गुरुवार को फरार आरक्षक सुदेश पिता एच खोड़े निवासी अशोक नगर, एजाज हुसैन निवासी कोयला फाटक और मुन्ना उर्फ मोहम्मद शगीर की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये की इनाम की घोषणा की गई है। एसपी शुक्ला ने बताया कि रात में पुलिस टीम द्वारा मुन्ना उर्फ मोहम्मद शगीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे खारा थाने में जहरीली शराब झिंझर को लेकर पूछताछ की जा रही है। सिकंदर के अवैध धंधों के साथ जहरीली झिंझर बनाने और बेचने में सहयोग की भूमिका थी। उससे सिकंदर के अन्य अवैध धंधों के बारे में पूछताछ की जाएगी, जबकि रिमांड पर चल रहे सिकंदर को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो जहरीली शराब कांड था, उसमें उज्जैन पुलिस के द्वारा अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो फरार आरोपी थे उनके ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसी क्रम में जो खाराकुआ और CSP महाकाल को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मुन्ना जानसापुरा, जो इस प्रकरण में नामजद आरोपी है जिसके ऊपर 10,000 का इनाम था, वो कहीं घूम रहा है। इस सूचना के आधार पर इस मुन्ना उर्फ मोहम्मद शगीर को गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। उज्जैन में सिंधी कॉलोनी स्थित जेके हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में है। शुक्रवार को जेके हॉस्पिटल में शिशु की मौत के बाद स्टाफ ने शव देने से ही इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में शिशु की मौत होने के बावजूद बिल बढ़ाने के लिए वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। महज डेढ़ दिन में ही अस्पताल ने बेहिसाब बिल बना दिया है, जिस पर परिजनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हंगामे के बाद पुलिस ने परिजनों को शव दिलवाया। इधर हंगामे के दौरान अस्पताल संचालक ने मीडियाकर्मी से भी अभद्र बात की। विवाद थाने तक पहुंच गया था, जहां काफी देर बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ। नरवर के सुभाष राजौरिया की पत्नी रचना ने 19 अक्टूबर को संजीवनी अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था, जहां नवजात शिशु की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे चरक अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में 2 दिन तक भर्ती रहने के बाद चरक अस्पताल के ही डॉक्टर MD शर्मा ने शिशु को जेके हॉस्पिटल में भर्ती होने की सलाह दी। इसके बाद डॉक्टर MD शर्मा ने शिशु का 2 दिन का इलाज किया। सुभाष राजौरिया के अनुसार बेटी को इन्फेक्शन के चलते जेके हॉस्पिटल लेकर गए थे, जहां उसे इन्फेक्शन बढ़ने पर वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। SNCU में उपचार के दौरान बेटी कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। मौत के बावजूद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था, केवल अस्पताल का बिल बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा था। जब उन्होंने स्टाफ से वेंटिलेटर हटाने के लिए कहा तो वेंटिलेटर हटाते ही शिशु की मौत हो गई। 21 अक्टूबर की रात को उन्होंने नवजात को जेके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। भर्ती करने से पहले ही अस्पताल में 8,000 रुपये जमा कराए गए थे, जबकि मौत होने के बाद भी अस्पताल मैनेजमेंट द्वारा 28,000 रुपये का बिल जमा करने की बात की जा रही थी, जिसे जमा करने में वे असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, जिस पर अस्पताल मैनेजमेंट ने शव देने से ही इनकार कर दिया। अस्पताल में हंगामे के बाद पहुंची माधवनगर थाना पुलिस ने शव को परिजनों को सौंपा। यहां यह बात गौर करने वाली है कि जेके हॉस्पिटल में चरक अस्पताल के विशेष चिकित्सक डॉक्टर MD शर्मा की देखरेख में नवजात बच्ची का उपचार चल रहा था। उसे इन्फेक्शन के चलते उपचार दिया जा रहा था, लेकिन चरक अस्पताल के बजाय शर्मा ने बच्ची को जेके अस्पताल में भर्ती रख कर उपचार किया, जिसे साफ होता है कि शासकीय अस्पताल के डॉक्टर्स निजी अस्पताल में मरीजों को रेफर करते हैं। फ्रीगंज के भी सभी अस्पताल में शासकीय चिकित्सक उपचार से लेकर ऑपरेशन तक की मोटी फीस वसूलते हैं, लेकिन अस्पताल द्वारा दिए जाने वाले बिल पर कभी भी इन डॉक्टर्स का नाम नहीं होता है। शासकीय चिकित्सकों के निजी अस्पताल के प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है, जिसके चलते बिल पर शासकीय चिकित्सकों का जिक्र नहीं किया जाता है। तो भगा दिया,
अभी भी देखने गए ताला कर दिया पर्दा, अभी भी भगा दिया मेरे को। अभी भी हमने वो भी हमने हमारे भाई से बोला कि इसको मशीन पे से जरा सी देर अलग हटा के देखो, अलग हटा दे से उसकी सांस बंद कैसे हो गई, वो जिंदा थी तो थोड़ी देर तो सांस चलती है उसकी, तो उसकी पैसे कमाने के लिए। हमारी बच्ची की तबीयत वहाँ चरक में भर्ती थी और यहाँ ये MT शर्मा से हम जानकारी लेने आए थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ ले आओ भर्ती कर लेंगे अपन, बच्ची को देख लेंगे। उसके बाद 19 तारीख को यहाँ लेके आए थे, 19 तारीख को भर्ती करी। उसके बाद अपन उनने बोला 21 तारीख को कि बच्ची की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो रही है, मेडिकल से रखना पड़ेगा। वो खर्चा वर्चा हमारे को मतलब कि 8,000 हमने जमा कर दिया था, वो 27,000 का बिल अभी बना दिया इन्होंने। क्या बोल रहे अभी ये? अब बोल रहे कि जमा करो, बच्ची अभी बच्ची शांत हो चुकी है। तो बच्चे का साहब आपको दिया? अभी नहीं दिया ना। वो क्या बोल रहे पैसे जमा कर जब देंगे? हाँ तो पैसे जमा कराएंगे जब ही देंगे ना वो तो। इस साल कोरोना महामारी के कारण कई छात्र शिक्षा से वंचित रह गए, तो कई छात्रों के इस वर्ष होने वाले एडमिशन भी इस महामारी की चपेट में आकर रुक गए। लेकिन अब बृहस्पति भवन में शनिवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए फिर से लिंक खोली जा रही है। 23 तारीख से 10 नवंबर तक यह चरण होगा जिसमें छूटे गए विद्यार्थी फिर से प्रवेश ले सकेंगे। इनके साथ ही उन्होंने बताया कि उज्जैन में शुरू किए गए नवीन विधि महाविद्यालय में जल्द ही LLB और LLM की सीट भी बढ़ाई जाएगी। साइंस में, फिजिक्स में और सांख्यिकी में हमने तीनों नए PG के कोर्स खोलने की घोषणा की थी, उसकी विधिवत अनुमति उच्च शिक्षा विभाग से दे दी गई है। इसी प्रकार से BSc ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये भी अभी हमने साइंस कॉलेज में प्रारंभ किया है। BSc मत्स्य विभाग मत्स्य विज्ञान में भी साइंस कॉलेज में इस साल से नया कोर्स खुला है, क्योंकि संभाग भर में हमारे मछली पालन के बहुत सारे तालाब भी हैं, नदियाँ भी हैं, तो इसे में इस कोर्स की अत्यंत आवश्यकता थी। ये कोर्स हमने उज्जैन में खोलने का निर्णय किया था और ये खोल लिया है। हमारे सांसद जी के निवास के पास GDC है, बहुत अच्छा कॉलेज है। उस अच्छे कॉलेज के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी से जूलॉजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, इसमें स्नातकोत्तर स्तर के PG कोर्स हमने इसी सत्र से प्रारंभ करने की घोषणा की थी और वो चालू कर दिए। उनके एडमिशन भी अभी इस बार से चालू हो रहे हैं। ऐसे ही MSc बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी इत्यादि पाठ्यक्रम भी GDC में बच्चियों के लिए प्रारंभ कर दिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण विषय आपकी जानकारी में और देना चाहूँगा, BBA ये पूरे प्रदेश में सरकारी स्तर पे कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। इसको हम अपने संस्कृत कॉलेज में इसी सत्र से चालू कर रहे हैं। इसके लिए एक डिपार्टमेंट पूरा खोल रहे हैं, माननीय महामहिम से बात करके हम इसी सत्र से उसके एडमिशन भी प्रारंभ करा देंगे। इस प्रकार से उच्च शिक्षा की दृष्टि से उज्जैन भी एक हब बने, बड़े पैमाने पे यहाँ आकर के लोग पढ़े, इसका लाभ लें और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये जो बदलाव हुए हैं, लगभग बहुत लंबे समय बाद एक साथ इतनी सारी सौगातें मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माधव कॉलेज ये बहुत पुराना 129 साल पुराना बिल्डिंग था, तो इस हेरिटेज बिल्डिंग की दृष्टि से भी हमने 5 करोड़ नए मंजूर कर रहे हैं। माधव कॉलेज का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है उसको उस स्वरूप को बनाते हुए वहाँ का गांधी हाल और पूरा भवन अपने आप में एक शिक्षा जगत का बड़ा अनूठा इतिहास है। कई सारे विद्वान यहाँ पढ़ के निकले हैं, उनकी दृष्टि से माधव कॉलेज का ये भवन हेरिटेज भवन के रूप में बनेगा। देश में कई सालों से किसानों का बड़ा बुरा हाल है। सालों से किसानों की आत्महत्या और उनके शोषण की खबरें सामने आती रहती है। ऐसे में ही एक खबर सामने आई जहां उज्जैन क्षेत्र के घटिया में एक किसान ने DSP पर कृषि भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि किसान ने पुलिस कंट्रोल रूम पर SP को शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि DSP ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि उक्त जगह पर DSP की भी निजी कृषि भूमि है। बताया जा रहा है कि यहां विवाद सीमांकन को लेकर है। हम तो निवासी तो घटिया के हैं, पर अभी निवास हम दावत खड़ी कर रहे हैं मामा साहब के। उन्होंने पड़ोस में जमीन ली है 2.5 बीघा, तो वो 2.5 बीघा नाले में आ रही है, वो छोड़ दी और फंड के चक्कर में हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। रोड एक सामने सुतार समाज के कैलाश जी, उनका रास्ता है, वो भी रोक लिया और 1.25 बीघा जमीन पे कब्जा कर लिया अपनी। हमारी पैतृक जमीन है वो। क्या
मेरी 3 बीघा और 5। मैंने फ़ोन पे बात करी, साहब बैठ के बात कर लो तो क्या कर लो तेरे से, मैं तो SP हूँ, DSP हूँ, ऐसे बोले मेरे से। तो उन्हें क्या समझ के फ़ोन लगा दिया मैंने, उन्हें साहब तुमने मेरी ज़मीन पे कब्जा करा है तो इसके लिए बात तो करनी पड़ेगी, तो मेरे को क्या काम तुमसे बात करने से, तो तेरे को ऐसा करवा दूँ, उठवा दूँ, मैं SP हूँ, मैं वो फलाना हूँ, उनमें वो हो गई। आज फिर सुबह खेत पर गए, वो मैंने खंभा निकाल दिया था, कब्जा नहीं करने दिया मैंने, तो खंभा निकाल दिया, तो तूने क्या समझ के खंभा निकाला, तेरी बहन का, तेरी माँ का, काट के गाड़ दूँगा या खेत पे आ जा, यहीं गाड़ दूँगा तेरे को। मैंने कहा साहब आप गाड़ देना, मैंने कहा हमारा रिकॉर्ड देख लेना पिछला क्या है, ऐसी बात मैंने बोली, मैं 25 साल पुराना रिकॉर्ड देख लेना हमारा भी। ज़मीन किसके नाम से है? मेरी माता जी के नाम से, भोली भाई के नाम से। कितने समय से निवास करते हैं? वो तो हमारी पैतृक ज़मीन है। नवरात्र का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, ऐसे में उज्जैन क्षेत्र के माँ शिप्रा तैराक दल ने भी महाअष्टमी पर रामघाट पर शिप्रा नदी का पूजन अर्चना किया। और आपको बता दें कि माँ शिप्रा तैराक दल ने पूजा के साथ साथ श्वानों को दूध भी पिलाया। इस दौरान माँ शिप्रा तैराक दल अध्यक्ष हिमांशु व्यास सहित अन्य सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज दुर्गा अष्टमी होने पर आज हम सभी ने माँ शिप्रा की आरती की व अर्चना कर उनका दुग्धाभिषेक करा पहली बार, और आज हमने उनकी अर्चना भी। महाअष्टमी पर्व पर आज शिप्रा जी का पूजा अर्चन किया गया। नगर में वहाँ भगवती की हर जगह पूजा होती है, शिप्रा जी का भी विशेष करके इस तरीके से आप महाअष्टमी पर आज माता जी को याद कर पूजा अर्चन की गई, अभिषेक किया गया, दूध अभिषेक वगैरह। इसके अलावा आज शिप्रा जी से विशेष गुहार लगाई है कि पूरे प्रदेश, पूरे देश में शांति और कोरोना महामारी को लेकर जो भी हमारे यहाँ विपता आई और सबके संकट से निराकरण हो, इसी को लेकर माँ शिप्रा तैराक दल ने आज शिप्रा जी का पूजन अर्चन। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है, इसी के चलते महाअष्टमी पर उज्जैन में नगर पूजन किया गया। आपको बता दें कि परंपरा अनुसार माता मंदिर में की गई महाआरती में कलेक्टर शामिल हुए। उज्जैन के 24 खंबा माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहां माता की पूजा राजा विक्रमादित्य करते थे, इसी परंपरा का निर्वाह जिलाधीश द्वारा किया जा रहा है। यहाँ कलेक्टर आशीष सिंह ने माता को मदिरा का भोग लगाया और महाआरती की। शहर में किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा ना हो, साथ ही सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, इसलिए यह पूजा कराई जाती है। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य के समय से नगर पूजा की परंपरा चली आ रही है। तो बताएं आज ये जो पूजा हुई इसका क्या महत्व है और इसको कलेक्टर पूजा क्यों करते हैं? ये पूजा जो है शहर की सुख शांति के लिए, जो ये महामारी चल रही है, ये भी खत्म हो, हर साल होती है अष्टमी के दिन पूजा, और सिंगत का नहान होता है तो सबके पहले यह नगर पूजा होती है, उसके बाद में नहान शुरू होता है। तो ये परंपरा बनी हुई है विक्रम संवत से ही, ये परंपरा आज भी चली आ रही है। ये राजाओं का राज खत्म हुआ तो कलेक्टर ही राजा है, तो कलेक्टर पूजा चढ़ाता है, पहले राजा महाराजा चढ़ाते थे, अब कलेक्टर द्वारा चढ़ती है पूजा। ये टाइम से हो रही है इस पूजा का तो कई वर्षों हो गए, राजा विक्रमादित्य का समय था जब से चली आ रही है पूजा, कोई नई पूजा नहीं है, बहुत पुरानी पूजा है। और ग्वालियर टेजरी से इसका 125 रुपया आता, बाकी का कलेक्टर मिलाता पैसे। अमृतलाल पुजारी, देखिए उज्जैन की एक जो गौरवशाली परंपरा है जो अनादिकाल से चली आ रही है नगर पूजा की, आज उसका निर्वहन मेरे द्वारा अष्टमी के शुभ अवसर पर किया गया है। और प्राचीन काल से ही माना जाता रहा है कि ये पूजा शहर के लिए अत्यंत आवश्यक है, शहर की सुरक्षा के लिए, यहाँ के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए, और उसी के अनुक्रम में शहर के प्रतिनिधि के तौर पर आज मेरे द्वारा ये पूजा संपादित की गई है। और मेरा ऐसा मानना है कि माता का आशीर्वाद और बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमेशा से नगरी पर रहा है और आगे भी रहेगा, और ख़ास तौर पर कोरोना जैसी महामारी का जिस तरीके से हम शहरवासियों ने डटकर मुकाबला किया है, माता का आशीर्वाद, बाबा महाकाल का आशीर्वाद पहले भी रहा है और आज की पूजा के बाद मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही, चूँकि बहुत जल्दी वैक्सीन भी आने वाली है, बहुत जल्दी ही इसका प्रकोप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और इस अवसर पर मैं पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपने को भाग्यशाली समझता हूं मुझे पूजा संपादित करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर महाकाल की सवारी को लेकर बड़ा आसान। अभी के लिए केवल इतना ही, बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।